हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेव इन नॉलेज। चकदेव इन नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। आज का दिन है बैंकर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन, और ये दिन अच्छा है बैंक के यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़, एक गुड न्यूज़ आई है बैंक की। यंग जनरेशन जो नए एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, की न्यू जनरेशन जो काफ़ी दिनों से एक अच्छी न्यूज का इंतजार कर रही थी, उनकी एक लॉन्ग अवेटेड डिमांड, काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे वो लोग, वो अप्रूव हो चुकी है। गवर्नमेंट ने कर दी है उसको अप्रूव। हम बात कर रहे हैं एनपीएस की, यानी कि जो एनपीएस धारक पेंशनर्स हैं बैंक के, सारे नए एम्प्लॉई जिनको पुरानी पेंशन में शामिल नहीं किया गया है, वो सभी एनपीएस के अंतर्गत कवर्ड है। और अभी तक बैंक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 10% था, यानी कि जो बैंक कंट्रीब्यूट करता था अपने पास से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो था 10%, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मिलता था 14%। हम आपको बता दें कि आज भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि बैंक का कंट्रीब्यूशन अभी पेंशन में होगा 14%, जो यानी कि रिवीजन हो चुका है 10% से बढ़ा करके इसको 14% कर दिया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बराबर होगा। काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी यंगस्टर्स की, यूनियंस की, कि इसको रिवीजन कर दिया जाए। 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत आईबीए और बैंक यूनियंस के बीच में सहमति बनी थी कि ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा करके 10-14% कर दिया जाएगा, लेकिन इस सहमति के बाद भी ये जो डिमांड थी वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रूवल पेंडिंग था। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको अपना अप्रूवल दे दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एनपीएस सब्सक्राइबर्स। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ है, वो है हमारे फैमिली पेंशनर्स के लिए, उनकी पेंशन को रिवाइज करके 30% लास्ट सैलरी का कर दिया गया है विदाउट एनी कैप। हमारे फैमिली पेंशनर को भी ये जो बढ़ा हुआ है पेंशन है वो मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। अपने खुद के चैनल चकदेव इन नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।